हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारे यहाँ हो रही है होली की तैयारी और यहाँ मम्मी झंगड़ी यानी कि हरे चने को निकाल रही है। इससे बनेंगे स्वादिष्ट पकौड़े। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी होली कैसे रही, आपने क्या क्या उसमें बनाया। और ये रहे मेरे दोनों बच्चे। तो ये वो समय होता है जब बच्चे सो रहे होते हैं, हम अपने सभी कामों को आराम से कर सकते हैं। और कुछ क्राफ्ट्स भी मैंने किया था फ़ोटोशूट के लिए, बच्चों के फ़ोटोशूट के लिए, जिसके वीडियो मैं डिटेल में अगले वीडियो में तो बताऊंगी। अभी मैं रेडी हूँ और जाने वाली हूँ मंदिर अपने बेबी के साथ और अपनी मम्मी के साथ। दोपहर की नींद के बाद शिरीषा उठ चुकी है और हम सभी जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए मम्मी से रेडी कर रही है, शूज़ पहना रही है, ये अपना पर्स लेकर के तैयार है। मैं बता दूं कि शिरीषा मम्मी को मम्मी बोलती है, नानी नहीं बोलती, क्योंकि मैं भी मम्मी बोलती हूँ। तो ये होता है एक्साइटमेंट लेवल जब भी इन हमें बाहर जाना होता है। तो मंदिर जाने के रास्ते में जैसे ही कोई डॉग मिलता था, उसे हमेशा पिंगो पिंगो करके प्यार करना चाहती थी और डॉग भी इसके साथ खूब खेलना चाहते थे। तो हम अब लौट चुके हैं मंदिर से वापस और मम्मी ने खाना बनाया है, प्याज के पराठे और टमाटर की चटनी सर्व करने के लिए। थैंक यू मेरा बच्चा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शिरीषा अपने से ब्रेकफास्ट खा रही है, वाइट सॉस पास्ता जो कि बहुत हेल्दी होता है। और फ्रूट्स के लिए ना हमने ये बास्केट लिया था और ये हमें टूटा हुआ मिला है, इसे वापस भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब काम चलाएंगे। ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही यूटिलिटी बॉक्स है, बट अनफॉर्चुनेटली ये टूटा हुआ मिला हमें। होली का समय हो और मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने अमेज़न से मंगाया सुजाता का सुपर मिक्स मिक्सर ग्राइंडर। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मुझे इतना क्यों पसंद है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा एक और वीडियो, जिसमें मैं इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी। चलिए होली की तैयारी शुरू करते हैं फिर से। तो उड़द दाल को हमने सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है, नारियल भी डाल दिया है, बहुत अच्छा पेस्ट बना है। दही बड़े के लिए जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। आइए देखते हैं कि मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी को खिलाती कैसे। झूला कैसे झुलाते हैं बेटा? नहीं करो नहीं करो, रहने दो रहने। थैंक यू थैंक यू। इंसान कितना भी थका हो ना, बच्चों के पास आते ही सारी थकान दूर हो जाती है। फेस्टिवल हो और फोटोशूट ना की जाए तो हो ही नहीं सकता। तो होली का दहन का दिन है, बचका बन चुका है। यहाँ पे मैंने तैयारी किया था, छोटी वाली बेटी मेरी जगी थी और बड़ी वाली बेटी मेरी सो रही थी, यानी कि शर्ली जगी हुई है। शर्ली के फोटोशूट के लिए मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया। हाँ, प्रॉपरली वैसा नहीं हो सका जैसा मैं चाह रही थी, बट हाँ ठीक ठाक फोटोज़ आ गई थी। अच्छा जी, जो तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि अगली बार से मुझे कभी भी फ़ोटोशूट करना होगा ना, बेबी फ़ोटोशूट और थीम वाला हो, तो DIY के आइडियाज़ के लिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके और एक वीडियो बना करके डाल दूँगी। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट। हमारा जो फ़ोटोशूट हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है और साथ में मैसेज भी मैंने देने का कोशिश किया है। यहाँ हमारा होली स्पेशल केक तैयार है और मम्मी बना रही हैं यहाँ मंचूरियन बॉल्स। मुझे मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सबसे पहले मम्मी मंचूरियन बना करके तैयार कर रही है। उधर दही वड़े की भी तैयारी हो चुकी है, यहाँ फ्राई हो रहा है मंचूरियन और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। द फ्लफी केक इज़ रेडी। सो फाइनली होली का दिन आ गया है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें बनी हैं। ये वही वाला वड़ा है, दही वड़ा, जिसके उड़द दाल को हम लोग पीस रहे थे। तो छोले हैं, पूड़ी है, दही बड़े हैं, मंचूरियन है और दम आलू है। और इसके अलावा पुआ तो मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है। होली में बिना पुआ का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये मेरे केक की तैयारी हो रही है, ये व्हिपिंग क्रीम और ये स्पॉन्ज। तो एक है हमारा चॉकलेट केक यानी चॉकलेट स्पॉन्ज और एक है वनीला, जिससे कि बनेगा बटरस्कॉच केक।
यहाँ मम्मी और मम्मी की फ्रेंड्स आ गई हैं मुझे रंग लगाने के लिए। मैंने खुद ही को ऑफ़र कर दिया कि चलिए ठीक है, मैं ऑफ़र करती हूँ, आप मुझे लगा सकते हैं, पर उतना भी नहीं क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी भी है, उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मुझे ज़्यादा नहाना पड़ेगा कलर को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं मुझे रंग लगा करके, आप इनकी खुशी देख सकते हैं। बचपन से ही मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बट अब मैं थोड़ा मोड़ा कलर्स को लगाने के लिए अलाउ कर भी देती हूँ। यहाँ मेरी बेटी को भी हल्का सा अबीर लग गया है और वो बहुत खुश है, क्रीम खा रही है आराम से, पुए दिए जा रहे हैं, आंटी खाइए खाइए, हमारे घर का पुआ भी टेस्ट कीजिए, मेरी बेटी तो क्रीम खा रही है, आइसक्रीम सोच के खा रही है क्रीम को आराम से। ये प्यार बट रहा है भाई, प्यार, और ये है सेल्फी टाइम और फोटोशूट का टाइम। तो यहाँ पे ये मुझे बालों वाली लड़की बहुत क्यूट लगती है। तो जो बटरस्कॉच वाला केक था ना, वो कुछ ऐसा बना था कलरफुल, और इनकी जो पिचकारी है बैग वाली पिचकारी, ये मम्मी सिखा रही है कि देखो बेटा इसमें कलर हम लोगों ने डाला है और ये इस तरह से यूज़ किया जाता है। अभी इसे स्टार्टिंग में ना, इसे ये बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब मामा ने परचेस करके लाया था, बट ये जैसे ही सीख ली ना कि अच्छा इससे अब कलर निकलेगा, चलो मैं तंग करूं, तो मेरे तरफ ये पिचकारी करके, अब वो उसे नहीं पता कि किस तरफ डालना है, बट यस इसकी पिचकारी मेरी तरफ घूमी थी और मैं तो गीली हो रही थी, कलर मेरे पे डाल रही थी और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बेटी भी शायद यही कहना चाह रही थी कि मामा बुरा ना मानो, होली है और मैं तो आपको रंग लगाऊंगी ही, गीली करूंगी, और ये खुद के भी अच्छे खासे ड्रेस को कलरफुल कर चुकी है। लास्ट ईयर जब हम रियाद में थे तो ऐसी होली खेलने को तो नहीं मिली थी, तो हमने अबीर से खेला था। शाम को हम सभी पहुंच गए हैं दादाजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए, और दादाजी मेरी छुटकू को हमेशा गोदी लिए रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये हमारी फैमिली फ़ोटो। तो घर में सेलिब्रेट करने के बाद मम्मी पापा जी और शिरीषा चले गए थे कॉलोनी के सेलिब्रेशन में, यानी होली मिलन समारोह में। वहाँ पे हमारी कॉलोनी में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है होली का सेलिब्रेशन। वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान आते हैं, मीन्स घर से सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, रखते हैं, गाते हैं, मिलते हैं सबसे। आई वॉज़ मिसिंग माई हस्बैंड बैडली, तो मैं इसलिए छोटा सा एक क्लिप डाल रही हूँ कि होली सेलिब्रेशन जो लास्ट में हम लोगों ने किया था ना लास्ट ईयर याद में, वो कैसा था। ये इस तरह से मैंने अपने रूम को, या कह लें बेड को, कलरफुल बेडशीट से डेकोरेट किया था। रूम से बाहर का आपको खिड़की से दिखाती हूँ, वहाँ पे दोपहर में आपको कोई भी नहीं दिखेंगे, स्पेशली रमज़ान के दिनों में आपको कोई भी सड़क पे नहीं दिखने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सारी दुकानें बंद होती हैं और शाम से रात तक, यानी रात से सुबह तक दुकानें खुलती हैं। तो ये लास्ट होली मैंने प्रिपेयर किया था चावल दाल और मटर पनीर की सब्ज़ी। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया और उन्होंने बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो आई होप कि हमारे आगे के जो भी त्यौहार हैं साथ में ही हों। तो दोस्तों ये थी मेरी होली, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि आपकी होली कैसी रही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ। थैंक यू।